वैसे तो ये बाइक लगती है बहुत खूबसूरत, एंड ब्लैक के साथ जो क्रोम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है, इस बाइक के लुक को और एनहांस करता है। लेकिन इसके कुछ पार्ट है जो कि क्रोम से फिनिश नहीं है, राइट? तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है जो मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ, एंड आई होप इट वुड लुक गुड, राइट? तो चलो देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर करा है अमेजोन से, एंड लेट्स सी क्या है वो प्रोडक्ट। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फाड़ता हूँ इसको यहाँ से, अमेजोन का पैकेट। तो भाई एक ये चीज है और इसके साथ एक ओ भाई निकल जा, एक ये चीज है, ये है आपकी मेटियोर के रेयर ऑयल कंटेनर का कवर, और इसके कुछ और भी फायदे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब इनको इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में। लग जाएगा आपके डिस्क ब्रेक के ऑयल कंटेनर में, राइट? एंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आरी का लोगो, एंड यहाँ पे लिखा है मेटियोर 350। ये स्टेनलेस स्टील का है और इसके साथ आपको मिलते हैं 2 वोल्ट, एंड इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड दिखाएंगे कि कैसी लुक लगती है बाइक में इसको इंस्टॉल करने के बाद। इसके साथ साथ आपको मिलता है रेयर ऑयल कंटेनर का कवर, राइट? ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, एंड जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो भाई ये थे वो 2 प्रोडक्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इतनी अनबॉक्सिंग इन 2 प्रोडक्ट, इसमें कुछ ज्यादा दिखाने के लिए था नहीं, बट आई थॉट टू शो यू कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो इसके साथ तो आपको कुछ नहीं मिलता है, राइट? ये सीधा डायरेक्टली फिट हो जाता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इसके साथ आपको बोल्ट मिलते हैं 2 जो कि आपके फ्रंट ऑयल कंटेनर के साथ लग जाते हैं एंड इंस्टॉल हो जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो, अगर ये वीडियो यूजफुल रहा हो थोड़ा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।